हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता है। अपना जो चैप्टर चल रहा है नए साझेदार का प्रवेश, लेसन नंबर 2, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। पिछले वीडियोस के अंदर अपन ने 2 विधियों के बारे में पढ़ा। पहली विधि औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन और दूसरा भारित औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये अपन ने पढ़ा। आज का जो मेथड नंबर 3 है, सुपर प्रॉफिट मेथड यानी अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन। अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस। यदि मैं हिंदी में बोलूं, सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ इंटू दिए गए वर्षों के क्रय आधार की संख्या, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस जो अपन को क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, उससे इसको सुपर प्रॉफिट को यदि अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, अधिलाभ क्या होता है, अधिलाभ का सूत्र क्या होता है? यदि क्वेश्चन के अंदर यदि हमको अधिलाभ नहीं दिया गया है तो सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन करने से पहले हमको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि औसत लाभ के अंदर से हम सामान्य लाभ को लेस कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको फर्स्ट मेथड के अंदर बता चुका हूं। पिछले वर्षों का जो टोटल प्रॉफिट है उसके अंदर वर्षों की संख्या का भाग देकर अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया था। अब यदि क्वेश्चन के अंदर अधिलाभ नहीं दिया गया है तो अधिलाभ का ये सूत्र है, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था कि अधिलाभ किसे कहते हैं, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। 2 बिजनेसमैन है, एक है ए और एक है बी, ये 2 पार्टनर है। इन्होंने मेन रोड के ऊपर, बहुत पॉपुलर रोड है, और इस रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर ए ने 10 लाख रुपए की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया और बी ने भी 10 लाख रुपए की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। कहने का मतलब है कि दोनों ने सेम अमाउंट कैपिटल का लगाया। दोनों की शॉप मेन रोड के ऊपर है, इसने भी स्वीट्स का काम किया, स्वीट कैटर्स का मिठाइयां बेचता है, और बी ने भी मिठाइयों की दुकान खोली। हर बिजनेस के अंदर एक प्रॉफिट की रेट होती है, जैसे गिफ्ट शॉप है उसके अंदर 50% का मार्जिन हो सकता है, कोई सब्जी की दुकान है उसके अंदर 60% तक का भी प्रॉफिट हो सकता है, होलसेल के अंदर यदि प्रोविजन स्टोर है, किराने की दुकान है, तो उसके अंदर 2% 3% प्रॉफिट होता है। यहाँ अपन मान के चलते हैं कि मिठाई की दुकान के अंदर 40% का प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर 40% का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ए ने इसका 40% 10% कितना हो गया? 21,000, 10,000, 10 लाख। 10% हो गया 1 लाख। ए ने जो प्रॉफिट कमाया वो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट मिठाई की दुकान से कमाया, जो कि एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। कोई भी आदमी यदि 10 लाख रुपए की कैपिटल लगा के और मिठाई की दुकान यदि खोलता है तो वो 10 लाख रुपए की कैपिटल से 4 लाख रुपए कमा सकता है।
इसी तरह से बी ने भी 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, लेकिन वर्ष के अंत में यदि हम इसका प्रॉफिट देखते हैं तो इसने जो प्रॉफिट कमाया वो 4,70,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। स्टूडेंट्स, दोनों में से किसने प्रॉफिट ज्यादा कमाया? साफ नजर आ रहा है कि बी ने 70,000 रुपए का प्रॉफिट ए की तुलना में, इन द कंपैरिजन ऑफ ए बी अर्न मोर प्रॉफिट, कितना ज्यादा कमाया? 70,000 रुपए का प्रॉफिट इसने ज्यादा कमाया। तो हम क्या कहेंगे बी के लिए? सुपर काम किया है, सेम कैपिटल है, सेम रोड है, और उसके बावजूद भी इसने 70,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया इसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके अधिलाभ क्या होता है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब अधिलाभ यदि क्वेश्चन में नहीं है तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना आता ही है पहले से, और यदि क्वेश्चन के अंदर यदि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ यदि नहीं दिया गया है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी एक अलग से सूत्र है, और गुडविल का वैल्यूएशन करने से पहले हमको सामान्य लाभ भी हो सकता है कि कैलकुलेट करना पड़ जाए। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, यदि क्वेश्चन के अंदर सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट यदि नहीं दिया है तो इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड को हिंदी के अंदर बोलते हैं विनियोजित पूंजी, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करते समय कितनी पूंजी का, कितनी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया, इनटू एनआरआर। एनआरआर मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसा कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि हर तरह के बिजनेस के अंदर प्रॉफिट की एक नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट होती है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट को ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, कि एक सर्टेन अमाउंट कैपिटल का लगाने के बाद में नॉर्मल रिटर्न हमको कितना मिलेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन के अंदर अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दी गई हो, तो यदि कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी का जो फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है टोटल ऑफ करंट असेट्स यानी चालू संपत्तियां, टोटल ऑफ करंट असेट्स प्लस फिक्स्ड असेट्स स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। विनियोजित पूंजी को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? करंट असेट्स का टोटल लेना पड़ेगा। करंट असेट्स किसे कहते हैं? चालू संपत्तियां किसे कहते हैं? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ मिनिमम 12 मंथ्स, या एक अकाउंटिंग साइकिल जो जनरली 12 महीने की होती है उसके अंदर अंदर जिन असेट्स को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है वो करंट असेट्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, स्टॉक है, और आपके जो स्टॉक के अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज जैसे है। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको करंट एसेट्स के दिए। और फिक्स्ड एसेट्स किसे कहते हैं? जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में खरीदी जाती है, जो बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती है, विच आर नोट परचेज फॉर द रीसेल पर्पस।
जो बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदी जाती है एंड विच आर परचेस्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, जिसके ऊपर व्यापार के स्वामी का अधिकार होता है, उनको फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल को चलाने के लिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग बेचने के लिए नहीं खरीदी है। फर्नीचर है, फर्नीचर बेचने के लिए नहीं खरीदा है। स्कूल के अंदर जो कंप्यूटर है और टाइपराइटर वगैरह है, कोई मशीनरी है, तो वो स्कूल को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए खरीदी है, और उसके ऊपर अधिकार किसका है? स्कूल के डायरेक्टर सर का उसके ऊपर अधिकार है, तो उनको फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जैसे लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गई, कंप्यूटर आ गया। आशा करता हूं कि करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर से हमको जो माइनस करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को लेस करना है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी आउटसाइड लायबिलिटीज, बाह्य दायित्व। स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर दो तरह की लायबिलिटीज होती है। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी के अंदर जैसे हम कैपिटल को दिखाते हैं, तो ये कैपिटल किसने लगाई? ओनर से लगाई, व्यापार के मालिक ने लगाई। तो कैपिटल क्या है? एक इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। जब कभी भी बिजनेस बंद होगा तो इस कैपिटल का पेमेंट किसको करना पड़ेगा? बिजनेस के ओनर को इसका पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह से जनरल रिजर्व है, व्हेन ए सर्टेन अमाउंट इज सेट असाइडेड टू फेस द फ्यूचर लायबिलिटीज एंड रिस्क, इट इज कॉल्ड फंड्स रिजर्व। ये पैसा किसने कमाया? ऑनर्स ने कमाया। और जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब भी पेमेंट करना पड़ेगा, तो किसको करना पड़ेगा? बिजनेस के ऑनर्स को करना पड़ेगा। तो इस तरह से कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, और कोई बिल्डिंग का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो ये सब ऑल दीज आर इंटरनल लायबिलिटीज। अपन बात कर रहे हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज की। आप कहोगे तो सर फिर ये फिर बाह्य दायित्व कौन से होते हैं? वो पेमेंट, वो कर्जा, वो लायबिलिटी जो हमको एक सर्टेन पीरियड के बाद में आउटसाइडर्स को पेमेंट करनी है। आउटसाइडर्स यानी कि जैसे बैंक से लोन लिया हुआ है, तो हमको बैंक लोन का पेमेंट, बैंक जो है वो बाहर का व्यक्ति है, क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, तो हमको उनको भी पेमेंट करना पड़ेगा। बिल्स पेबल है, लोन फ्रॉम वाइफ है, लोन फ्रॉम ब्रदर है, लोन फ्रॉम हस्बैंड है, यानी कि वो लायबिलिटीज जिनका रिलेशन बिजनेस के ऑनर्स से, मालिकों से नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जैसे जैसे हमको किसी फिगर की आवश्यकता पड़ेगी, हम उस फिगर को कैलकुलेट करेंगे। मेन फॉर्मूला लास्ट में हो सकता है, लास्ट में लगाना पड़े, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस। और फिर ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास में कौन सा फिगर है और कौन सा फिगर नहीं है। फॉर्मूले के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और यदि कोई फिगर नहीं है तो उसको कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, और इस तरह से ख्याति का मूल्यांकन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट मेथड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000, 50,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं सामान्य प्रत्यय की दर कितनी है? 10%। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो 9,000 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अधिलाभों के चार गुने के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला में रखूंगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू दिए गए वर्षों का क्रय आधार, अधिलाभों के चार गुने के आधार पर अपन को कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 या 4 टाइम्स। अब स्टूडेंट्स अपन को क्वेश्चन के अंदर ये जो सुपर प्रॉफिट है ये नहीं दिया हुआ है, अब ये नहीं दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर एवरेज प्रॉफिट इज अवेलेबल, औसत लाभ कितना दिया हुआ है 9000। अब माइनस अपन को किसकी जरूरत है, नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत है, नॉर्मल प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर अपॉन 100, ये फॉर्मूला, और मल्टीप्लाइड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 9000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कितनी दी हुई है, 50,000 रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दी हुई है, सामान्य प्रत्यय की दर 10% है, एनआरआर 10% अपॉन 100 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाइड बाय 4। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ये 10 ये हमने काट दिया, जीरो से जीरो कट गया, ब्रैकेट में क्या बचा 9000 माइनस 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 9000 रुपए से 5000 रुपए लेस कर देंगे तो ये 4000 इंटू 4 इज इक्वल टू 16000 रुपए ख्याति का मूल्य होगा, 16000 रुपए हमारा आंसर आना चाहिए, आंसर मैंने पहले लिख दिया था 16000 रुपए और ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरह से यदि कोई फिगर नहीं है तो उसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूला रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है, और जितनी बार भी क्वेश्चन करें, चाहे घर पे करें, चाहे क्लास में करें, कहीं पर भी यदि आप क्वेश्चन करें, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी बार आप क्वेश्चन करें उतनी बार इस फॉर्मूले को लिखें, ताकि बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर कई बार एग्जाम के अंदर टिपिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक फर्म की जो एसेट्स है वो 2,00,000 रुपए की एसेट्स है, और इस 2,00,000 रुपए की एसेट्स में 10,000 रुपए कैश इंक्लूड है, कैश इंक्लूड है, यानी कि एसेट साइड का टोटल कितना है 2,00,000 रुपए है, और लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स 10,000 है, कैपिटल जो पार्टनर्स की है वो 1,60,000 रुपए है, और रिजर्व फंड के अंदर 30,000 रुपए है। क्वेश्चन क्या है कि जो ख्याति का मूल्यांकन किया गया वो अधिलाभों के 3 वर्षीय क्रय आधार के ऊपर कितना है 33,000 है। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 3 वर्षीय क्रय आधार पर 33,000 किया गया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, औसत लाभ ज्ञात करो, वास्तविक औसत लाभ ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। हमारे पास में गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, हमारे पास में सुपर प्रॉफिट नहीं है, सुपर प्रॉफिट नहीं है तो सुपर प्रॉफिट का हम फॉर्मूला रखेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स। अब क्वेश्चन के अंदर हमको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम इसको एक्स मान लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 33,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट को मैंने एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन के अंदर मेरे पास में नॉर्मल प्रॉफिट भी अपन को नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला रख दूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100
मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 33,000 इज इक्वल टू एक्स का एक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमको नहीं दी हुई है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कि टोटल ऑफ करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, तो 2,00,000 रुपए की एसेट्स है जिसमें 10,000 रुपए का कैश भी है, तो टोटल ऑफ एसेट्स कितना है हमारे पास में 2,00,000 रुपए। इसके अंदर से हमको एक्सटर्नल लायबिलिटीज लेस करनी है। अब बैलेंस शीट के अंदर यदि अपन देखते हैं तो कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल नहीं है। रिजर्व फंड के अंदर जो पैसा पड़ा है 30,000, ये भी इंटरनल लायबिलिटी है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर के लोगों को पेमेंट करना है वो कितना है 10,000 है, तो ये 10,000 मैं इसके अंदर से लेस कर दूंगा, ये 10,000 रुपए इसमें से लेस कर दूंगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास में आ जाएगी 1,90,000 रुपए। इसको फॉर्मूले के अंदर मैं रखूंगा 1,90,000। एनआरआर क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 8% स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर जो एनआरआर है 8% है और रिस्क फैक्टर भी 2%, जोखिम तत्व 2% दिया गया है। यदि ऐसा है तो इस रिस्क फैक्टर को इसके अंदर जोड़ देंगे तो एनआरआर कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी, तो इनटू एनआरआर अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो 33,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे 10 × 100 जीरो से जीरो, यहां पर कितना बच गया 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 33,000 इज इक्वल टू इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से, तो यहां पर आ जाएगा 3x, और इस 19,000 को 3 से गुणा करूंगा माइनस 19,57,000। एक्स का फिगर मैं इधर लाऊंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस के कितने हैं माइनस का 57,000, और 33,000 को मैं इधर लाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का फिगर हो जाएगा, तो ये 33 माइनस के कितने हो गए 000 7 और 3 10 की 01 और 5 6 और 3 10 की 01 और 5 6 और 3 9, तो हमारे पास में क्या आया माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस के माइनस का 90,000, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 90,000/3, तो 3 × 9 30,000 रुपए हमारे पास में। एक्स हमने किसको माना था, हमने जो एक्स माना था वो माना था एवरेज प्रॉफिट को, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में 30,000 आ गया है। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन को आप एक बार दोबारा चेक कर लेना, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो वीडियो लंबा हो रहा है मैं इसको यहीं फिनिश करता हूं, और कोई भी यदि क्वेरी है कोई भी क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं। इट्स ओवर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी।